नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री गंगानगर जिले के 16 बैंकों की 150 शाखाओं के 1500 अधिकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल, 1000 करोड़ का लेन देन हुआ प्रभावित। इधर मंडियों में 400 करोड़ रुपए का लेन देन अटका, जुलूस निकाला तो कहीं हुआ प्रदर्शन। सभी सार्वजनिक बैंकों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जिले भर के 16 बैंकों की 150 शाखाओं के करीबन 1500 अधिकारी व कर्मचारी शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। 11वां वेतन समझौता, जो 1 नवंबर 2017 से लंबित है, को अति शीघ्र वे सम्मानपूर्वक लागू करवाने के लिए की गई हड़ताल से जिले भर में करीब 1000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। वहीं सभी सार्वजनिक बैंकों में कामकाज पूर्णतः बंद रहा। बैंकों के ताले तक नहीं खुलने से ग्राहक भी लेन देन के लिए ATM के चक्कर लगाते रहे। इस दौरान ग्राहकों को शारीरिक व मानसिक रूप से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी व अधिकारी 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हड़ताल के चलते पूर्णतः बंद रहे। बैंकों का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। सुबह सुखाड़िया सर्किल स्थित ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स के सामने सभा आयोजित की गई। सभा के बाद बैंकों के कर्मचारी व अधिकारियों ने रैली निकाली, जो बीरवल चौक से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस श्री गंगानगर इकाई के संयोजक OP जुनेजा ने बताया कि रैली के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने IBA एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान कलेक्टर को PM के नाम से ज्ञापन सौंपा। शनिवार PNB की शाखा के बाहर सभी सार्वजनिक बैंकों के अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जुनेजा के मुताबिक शनिवार को सुबह 10 बजे बीरवल चौक स्थित PNB की शाखा के बाहर सभी सार्वजनिक बैंकों के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सूरतगढ़ रायसिंहगढ़ में भी 11वें वेतन समझौते को लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन शुक्रवार को SBI, PNB, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। हालांकि निजी क्षेत्र के ICICI बैंक व HDFC आदि बैंक खुले रहे। हड़ताल के कारण सार्वजनिक बैंकों में नकदी निकासी, जमा चेक क्लीयरेंस, कर्ज वितरण सहित विभिन्न सेवाएं प्रभावित रही। पहले दिन की हड़ताल से जिले की विभिन्न मंडियों में करीब 400 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। SBI मुख्य शाखा सूरतगढ़ के प्रबंधक राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मी व अधिकारी 20% वेतन वृद्धि व न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर है। नई धानमंडी स्थित SBI की कृषि शाखा के अनिल कटारिया ने बताया कि बैंक बंद रहने से नकदी निकासी, जमा चेक क्लीयरेंस व कर्ज वितरण के काम प्रभावित हुए हैं। ICICI बैंक के गौरव टाटिया ने बताया कि निजी क्षेत्र के बैंक हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं। इन बैंकों में आम दिनों की तरह वित्तीय कार्य हुआ है। दूसरी हड़ताल करते हुए अनूपगढ़ में भी SBI बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स इत्यादि समस्त सरकारी बैंक के कामकाज ठप रहे तथा निजी बैंक खुले रहे। इससे ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समय समय पर बढ़ रही महंगाई और उसके अंकी इस देश के हर राष्ट्रीयकृत चीजों को बेच रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर कोई विदेशी घुस आया हो। पहले तो विदेशियों से डर था, परंतु उसको आज जगह जगह हमारा बैंक का कर्मचारी उसकी कहानी को रो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रहा था देश की जनता के सामने। देश की जनता समझ चुकी है कि आप वर्किंग क्लास या दूसरे जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं उनको आप इस तरह खत्म हो जाए और ये सारे के सारे बैंकों को हम प्राइवेट में कर दें।
आज यूएफपीयू के द्वारा प्रायोजित हमारी बैंक यूनियंस की हड़ताल में सभी साथी एकत्र हुए हैं और हमारी मुख्य मांगें वेतन समझौते को शीघ्र ही लागू करवाना और इसके अंदर आईएफपीए का जो ऑडियल रुख है उसके विरोध में हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। मार्च में हमारी 3 दिवसीय हड़ताल और प्रस्तावित है और फिर भी यदि मांगे नहीं मानी गई तो 1 अप्रैल से हम सब लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आपने पूर्व घोषणा की थी क्या? पूर्व में घोषणा हो चुकी है हड़ताल की।